हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सीरीज़ दे तीसरे लेक्चर विच तुहाडा स्वागत है सारिआं दा तुहाडे कोल। ठीक है जी, पहले दो लेक्चर्स दे विच जिहड़ा हैगा ए तुसीं आपां की पढ़िया थोड़ा जिहा उहनूं मैं रिवाइज़ करवाउण जा रिहा मैं। ठीक है जी, दूसरे लेक्चर दे विच वीडियो भी यूट्यूब ते उल्टा दिखाई दे रही सीगी। ठीक है जी, खैर मैं सैट कर दित्ती उह तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा। जदों तुहानूं लिंक गिआ सी तां उल्ट दिखाई दे रही सी। वैसे फोन ते कोई बहुता चक्कर नहीं हुंदा, फोन ते बंदा उल्टा करके देख लैंदा हैगा, इन्ना रौला है नहींगा। ठीक है, बट टैक्नीकली उस प्रॉब्लम वो आपां ठीक कर दित्ती। ठीक है जी, सो पहला आपां रिवाइज़ कर लीए, पहले और दूजे दे विच आपां की कीता, फिर आपां तीसरे लैक्चर ते जावांगे। तीजा लैक्चर अज बहुत वड्डा नहीं होगा। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा ए पहले दूजे लैक्चर 'च मैं तुहानूं जिहड़ा हैगा ए जो करवाया वो माड़ा जिहा रिवाइज़ करा दा। सब तो पहलां असीं सीरीज़ दी डेफिनेशन पढ़ी सीगी, सीरीज़ तो पहलां असीं सीकुएंस दी डेफिनेशन पढ़ी सीगी। सीकुएंस असीं उत्थे ए एन लिखदे सीगे सीकुएंस। सो ए एन दे विच आपां नूं पक्का पता सीगा कि एन कित्थों उठाई दा ए, नैचुरल नंबर तो उठाई दा हैगा। ठीक है जी, सो आपां सीकुएंस दी डेफिनेशन पढ़ी सीगी, सीकुएंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सैट ऑफ नैचुरल नंबरस एंड रेंज इज सम सबसैट ऑफ रियल नंबरस। सीकुएंस दे विच आपां ने पला उहदियां टर्मां विच प्लस 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 पाता, इनफिनिटी तक चले गए, तां आपां इनफाइनाइट सीरीज, आपणे कोल इनफाइनाइट सीरीज तैयार हो गई तुहाडे कोल। ठीक है जी, फिर उस तो बाद आपां ने पार्शल सम डिफाइन कीता सीगा। पार्शल सम तो बाद आपां ने क्या सीगा टैलीस्कोपिक सीरीज। हालांकि आपां सारे क्वेश्चनां 'च टैलीस्कोपिक सीरीज़ यूज़ नहीं करते, बट आपां नूं पता होना चाहिए कि आपां जदों उसकी पार्शल फ्रैक्शन बनाई तो टर्मां लगातार दूजी ना तीजी तीजी ना चौथी इस तरह कट गई तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो आपां टैलीस्कोपिक सीरीज़ कीती सी। टैलीस्कोपिक सीरीज़ तो बाद जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल आपां ने जी पी सीरीज़ ते कंडीशन पढ़ी कि जी पी कन्वर्जेंट कदों हुंदी है, जदों उहदा कॉमन रेशो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल लैस दैन वन हुंदा हैगा। फिर आपां इक नैगेटिव टैसट पढ़िया सीगा, ये पहले लैक्चर की गल हो रही है। एक नैगेटिव टैसट पढ़िया सीगा कि अगर एन अप्रोचिज टू इनफिनिटी, ठीक है, ए एन नॉट जी दैन सीरीज़ नैवर कन्वर्जेंट। तो मैं उत्थे ये भी कहा सीगा जब तक कहा ना जाए इन्हू यूज़ ना करना, बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता हैगा तुहाडे को। ठीक है जी, तो मैं मन के चलता वा पहला तो दूजा लैक्चर तुसीं देखे हो ते जे नहीं देखे तो पहला दूजा देख के इस लैसन नूं देखना, तो तुहानूं क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, उस तो बाद असीं जिहड़ा दूसरा लैसन पढ़िया सीगा, दूसरे लैसन दे विच जिहड़ा हैगा असीं थोड़ा जिहा पी सीरीज़ टैसट बारे पुछिया सीगा। ठीक है जी, उस तो बाद तुहानूं इह कहा सीगा वी जे मान लो नॉट कन्वर्जेंट आ गया तो उसनों डाइवर्जेंट नहीं कहना, नॉट कन्वर्जेंट नाल बाउंडड अबव की कंडीशन होवे तां डाइवर्जेंट प्लस इनफिनिटी हुंदा। फिर असी लिमिट कंपैरिजन टैसट किया। ठीक है जी, लिमिट कंपैरिजन टैसट पी सीरीज़ मैं दसदा नीचे लिखा हुआ, लिमिट कंपैरिजन टैसट किया। लिमिट कंपैरिजन च असी ए एन वी एन की रेशो लई एन अप्रोचिज टू इनफिनिटी लई जे नॉन जीरो फाइनाइट आ जाता हैगा है तो बोथ बिहेव लाइक, माने जे बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, बी एन डाइवर्जेंट है तो ए, अगर जीरो आ गया, जीरो एक्चुअली तो फाइनाइटनेस नूं ही रिप्रजेंट करती है, तो यह मतलब जीरो ते बी एन कन्वर्जेंट इंपलाइज ए एन कन्वर्जेंट, अगर तुहाडे कोल इनफिनिटी आ गया बी एन डाइवर्जेंट इंपलाई ए एन डाइवर्जेंट। अल्टीमेटली सारी नेचर बी एन की ही डिपेंड करती हैगी है, सो सारी स्टोरी बी एन ते ही घूमनी हैगी है। फिर आपां ने बी एन खुद तो सिलेक्ट करना हुंदा, खुद तो सिलेक्ट करना हुंदा तो आपां ने तुहाडे कोल पिछली बार तुहानूं कहा सी डिग्री है जी, डिग्री ऑफ डिनोमीनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लै लेना, वन ओवर एन रेस टू द पावर पी, अगर पी ग्रेटर दैन वन आ गया तो कन्वर्जेंट, पी लैस दैन वन आ गया तो डाइवर्जेंट। ए पी सीरीज़ आपां टैसट कीता सी, इत्थे तक आपां ने कीता सी। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा क्वेश्चन मैथ दे विच देखो इक्को ही तरीका हुंदा हैगा, एक तो आपां नूं रेगुलैरिटी चाहीदी हैगी है। ठीक है जी, कंसिस्टेंसी चाहीदी है तुहाडे कोल। अगर तुसीं पिछला कीता होया तो बिल्कुल तुहानूं सारियां चीज़ां याद ने, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं गी। ठीक है जी, सो इस चीज़ का आपां ख्याल रखना हैगा तुहाडे कोल। मैनूं बाबा नज़मी जी की एक जिहड़ी हैगी है लाइन याद आ गई, वह कहिंदे ने बेहिम्मते ने जिहड़े बहि जांदे ने, शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग ही पैंदे, पाड़ के सीना पत्थरां दा। इहदा मतलब है बाहरले हालात ना सोचो, पेपर कदों होणगे ये ना सोचो, ये सोचो मैं की कर सकदा हाँ। जे तुहानूं समझ आ रहा हैगा तो कोई दिक्कत नहीं, कापी चो क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है जी, कोई एडी रोले वाली गलबात है नहीं कि, ठीक है, 15 दिन 20 दिन हालात सही हो ही जाने ने। ठीक है जी, सो अज का जिहड़ा टैसट हैगा तुहाडे कोल, अज का जिहड़ा टैसट हैगा वह हैगा तुहाडे कोल कॉची रूट टैसट। ठीक है जी, कॉची रूट टैसट है। ठीक है, पहला अपलाई कदों करना हुंदा, मेन चीज़ तो आए क्योंकि जे बंदे नूं पहचान पता लग जाए ना उस तो बाद कोई दिक्कत नहीं आती हैगी। सो वह मैं हाईलाइट की है लाइन। ठीक है जी,
इफ एन डज नॉट कंटेन एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल वाली टर्म ना आवे, एंड पावर ऑफ एवरी फैक्टर ऑफ ए एन इज एन और मल्टीपल ऑफ एन, ठीक है, पावर ऑफ एवरी फैक्टर ऑफ एन, ठीक है जी, ठीक है, पावर जी ए एन दे, ए एन की पावर होएगी या एन होएगी, या एन का मल्टीपल हो गया, मल्टीपल मैंने टू एन हो गया, थ्री एन हो गया, ईवन एन इन टू एन एन स्केयर भी हो सकता है, मल्टीपल तो भी है। सो नीचे आप एग्जाम्पल लिखती, एग्जाम्पल के अपने की किया समेशन वन प्लस वन ओवर एन उपर एन वन बाई। सो इतों हिंट मिल रहा कि पावर है, यदा मतलब इतने आप क्वेश्चन टेस्ट लगा सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल जो आप देखिए, पावर देखो एन है, पावर देखो एन है, पावर देखो एन है, यदा मतलब असी जोड़ा है इतने भी टेस्ट लगा सकते हैं। सो सा जो फोकस हैगा है तो कोल सा फोकस जोड़ा है वो पावर देखनी है, अगर पावर एन या एन का मल्टीपल है तो बड़े वधिया ढंग जोड़ा हैगा आराम इस हैंडल कर सकते हो। सो चलिए जी अगले पेज पर थोड़े को, ठीक है जी। हूँ टैसट जोड़ा हैगा है वो टैसट कहता की हैगा थोड़े को। सो टैसट जोड़ा है कॉपी पर लिखे हुए हैं, थोड़ा कॉपी उल्टा पुलटा चौखा हो जाता, पेज पर लिखे हुए काम सौखा है। सो समेशन ए एन इज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज, अगर ए एन वो पावर एक बटा एन हो, टैसट की डेफिनेशन है, पहला पहचान दसी सी। सो अगर थोड़े को जोड़ा है समेशन ए एन, अपन पॉजिटिव टर्म सीरीज दी, ए एन की पावर वन बाई एन इज इक्वल टू एल है, तो जे अपन सॉल्व करिए एन अप्रोचिज इनविटी, तो एक तो लैस तो कन्वर्जेंट, अगर एक तो व्डा है तो डायवर्जेंट, अगर एक तो है टैसट फेल। हूँ दिक्कत कितने आती है, दिक्कत यह आती है कि जो टैसट फेल होया तो आप करा। सो एल की वैल्यू टैसट फेल हो गया तो की कहो कि जो टैसट फेल होया तो असी मुड़ के, क्योंकि हाले तो असी किते नहीं बहुते टैसट, असी टैसट फेल हो जाए तो असी मुड़ के लिमिट कंपैरिजन ते आवेंगे, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन डी एल एम बट उन्होंने भी हो जाते क्योंकि वो हले आप पढ़िया नहीं, तो मुड़ के आप लिमिट कंपैरिजन ते आके देखेंगे भी क्वेश्चन किस तरह होंदा हैगा, ठीक है जी। फेलियर का केस बहुत ध्यान ना समझना हैगा क्योंकि यही मेन चीज़ हैगी है थोड़े को। सो लो जी अगले पेज पर आ गए आप, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, पिछले लैक्चर से भी मैं जो देखा उसनों तो कापी पूरी दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है, इसलिए सॉरी, ठीक है। मेन चीज़ आप प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करने वाले हाँ, थोड़े को भी एक फोन ना कम जहा सार लीदा भी, पहली दूजी तीजी ज ज्यों ज्यों अगे जाइए अपन गलतियां पता लग जाए ने उस हिसाब न चली जाता है। सो पहले नालों दूजी ठीक सी, दूजे नालों अज थोड़ी जी तीजी ज़्यादा वधिया होगी। सो अगर आप स्टेटमेंट देखिए, वन प्लस वन बाई एन उपर एन है वन बाय टू, इतों हिंट मिल गया, मिल गया। हुण तुसी पावर रेज की, इस पावर रेज ने इस पावर नू काट देना। सो बड़ी सौखी जी चीज़ आ गई, एन अप्रोच इनफिनिटी, वन ओवर एन है वन ओवर इनफिनिटी, जीरो वन बाय टू लैस दैन वन है, तो कन्वर्जेंट आ गया और बड़े आराम नाल कन्वर्जेंट आ गया। बहुत वड्डा लैक्चर नहीं है ये, तो जोड़ा है थोड़े को बस ध्यान ना देखना कि क्वेश्चन करना किदा है। सो ये जोड़ा क्वेश्चन है अगले वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पी यू के पॉइंट ऑफ व्यू ना, पी यू के पक्का आता क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान ना देखना थोड़े को, ठीक है। दो का स्केयर है नीचे एक का स्केयर, फिर दो बाई एक, तीन का स्केयर नीचे दो का स्केयर, फिर देखो एनालॉजी डिवेलप करके देखो, इतने दो है, इतने एक है, स्केयर स्केयर से ने, इतने दो एक है, इतने तीन बाई दो है, उरे स्केयर हैगा थोड़े को, ठीक है जी। आगे हूँ जरा देखो, इतने स्केयर इतने क्यूब, इतने चार, पावर बढ़ रही है। सो आप क्या करना है, दो तीन आगे चार, यदा मतलब एन प्लस वन तो शुरू होगी, उपर दो ही है, उत्ते दो ही है, उत्ते तीन आ गया थोड़े को, जोड़ा है पावर बी जी हैगी है थोड़े को, हाँ जी एन प्लस वन जी हैगी है पावर एडजस्ट हो जूगी। सो सिमिलरली जोड़ा निचले वाला पार्ट हैगा ये थोड़े को, निचले वाले पार्ट में आप देखिए थोड़े को, ठीक है, वो भी इदा ही हो रहा हैगा ये थोड़े को, कि वैल्यू एन की हैगी है, मतलब जनरल टर्म निकालनी है, जनरल टर्म तुम बड़े आराम निकाल सकते हो, जो दो तीन चार है तो जो एन प्लस वन आएगा, जो एक दो तीन है तो आएगा, उत्ते माइनस वन है, माइनस दो है, माइनस तीन है, अप टू माइनस जोड़ा है एन आ जाएगा। सो यह चीज़ अपनी जी है बड़े हिसाब न एडजस्ट हो जाती हैगी है। उस तो बाद आप अगे देखिए, हाँ जी जो आप इस टर्म लिख लिया तो जोड़ा फोकस है साडा, ठीक है, ये कट्ठिया कर लिया, कोई दिक्कत वाली गल नहीं गई, ये वैसे ही दिक्कत कोई नहीं सी। बार देखो, बार एन वाली पावर पर फोकस हैगा, यदा मतलब की है कि यह पावर अगर वन बाई एन हो जाती है तो हैंडल हो जूगी। डेफिनेटली अंदरलियां का भी ख्याल रखना, जो अंदरलियां की लिमिट ना आती हुई तो उन्होंने ताँ ही प्रॉब्लम आ जूगी। सो आप अगे देखिए अगले स्टैप के करना हैगा थोड़े को, अगले स्टैप के होया जो पावर रेज हुई वन बाय एन, तो इतने भी वन बाय एन आ
गया। सो वन बाय एन आ गया, कट गया, माइनस वन आ गया। सो ये माइनस वन नहीं सानू तंग करता, इतने ना साढ़े को एन प्लस वन पावर से तो बेस सेम पावर सैपरेट कर ली, कर लीजिए पावर सैपरेट, एन अप्रोच इनवेंटी जो तुम्हें याद हो वन बाय एन ए तो जीरो बन जाना। इसलिए आप एक फार्मूला पढ़िया ई होंगे इलेवन ट्वेल्व पढ़ते हैं। तो आपने क्या किया, माइनस वन सी थोड़े को वैल्यू, ठीक है जी। सो अल्टीमेटली इतने वन आया ई इंटू वन, सो ई माइनस वन उत्ते माइनस वन। हूँ क्वेश्चन है कि बंदा पूरे कन्फ्यूज हो जाता कई बार, एक तो छोटी है कि एक तो छोटी नहीं है। तो जी ई की वैल्यू होंगी ना नीयरली 2.71 होंगी, 2.71 2.72। तो 2.71 चो अगर मैं रफली 2.71 ले लेना, 2.71 चो एक कटाओगे तो 1.71 एक नू एक तो वड्डी चीज़ डिवाइड कर लिया, एक तो छोटा ही आएगा। सो यदा मतलब क्या होया तुहाडे पास ये जिहड़ा हैगा इतों कन्वर्जेंट तुहानू पता लग गया। सो अगले क्वेश्चन के देखिए पावर हैगी है, पावर 3/2 हैगी है। हुण आपां एन कहिंदे सीगे पर जे 3/2 चो सवाल ये है भी 3/2 चो जे एन कट्टिया जावे 1/n करके तो 1/2 रह जू, तो लिमिट विच भी 1/2 वर्गी ही रकम है, तो मतलब ई वाली क्वेश्चन के विच पॉसिबिलिटी है। सो पावर देखी बेशक 3/2 सी बट हैंडल हो रही है। सो इनू एना मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 1 है, 1/2 बचेगा। सो ऊपर नीचे एनालॉजी देखो ई वाली बनती पई है, माइनस वन बाहर कर ले ई दी माइनस वन 1/2.71 का जोड़ा है तुहाडे कोल वैल्यू तुहाडी एडजस्ट होगी। मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन के। सिमिलरली आपां जिहड़ा हैगा अगे क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वो लॉग है, लॉग की पावर माइनस एन है, और ना लॉग वाली लिमिट जिहड़ी है 2 तो शुरू हो रही है, ठीक है जी। अगर 2 तो शुरू हो रही है तो यह मतलब क्या होया, हूँ जे मैं उरे 1 तो शुरू करा तो लॉग 1 की हैगा, लॉग 1 तो 0 है ना, इस करके उन्हें 2 तो स्टार्ट की हैगी। नंबर ऑफ टर्म डज नॉट मैटर, नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट सीरीज मैटर नहीं करती है। ईवन जे पहलियां 2-3 टर्मा जिहड़ियां हैगियां ने तुहाडी सीरीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही ने तो उन्होंने आप छड भी सकते हैं, ठीक है जी। सो एन टर्म ले लीजिए फिर पावर रेस कर ली। सो लॉग उपर माइनस वन आ गई, लॉग इनफिनिटी इनफिनिटी होंगे, सो 1/∞ 0 एक तो छोटा गया, तो यह वाला क्वेश्चन भी। सो अगला क्वेश्चन है जोड़ा थोड़े को उस एक केस ऑफ फेलियर आएगा, तो उस क्वेश्चन थोड़ा जहा ध्यान नाल देखना है। वो की है ई रेस टू दी पावर हैगी है एन का अंडर रूट है आर रेस टू दी पावर एन है, आर ग्रेटर दैन 0 दिता हुआ। सो ए एन तो दिता हुआ आप जो पावर रेस की, जो पावर रेज की आर तो हो गया वेला, ई की पावर 1/√n आ गई, एन अप्रोचिज टू इनफिनिटी तो ई की पावर 1/∞, ठीक है जी, ई की पावर 0 आ जाएगी। सो ई की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, आंसर आ गया आर। अब आर आ गया, जब तक आर नहीं पता कम नहीं सरना, तो अगर आर लैस दैन 1 हो गया ठीक है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। देखो ना इतने आर आ गया, हूँ आर तक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे नहीं रहा तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट किमें करिए, तो अगर आर लैस दैन 1 हो गया तो कन्वर्जेंट हो जू, अगर आर ग्रेटर दैन 1 हो गया तो डाइवर्जेंट हो जू। दिक्कत कितने है जी, आर का फेलियर। हूँ जिस वैल्यू पर थोड़ा फेलियर हो, पिछे मैं सिर्फ इन्ना का नोट लिख के आया से, जो फेलियर है तो तुम्हें लिमिट कंपैरिजन लगाना पै सकता, डी एल नंबर 2 लगाना पै सकता। हूँ जिस वैल्यू पर थोड़ा फेलियर आ जाए उस वैल्यू में ना ओरिजिनल क्वेश्चन चो ही इलिमिनेट कर दो, आर इज इक्वल टू 1 है। सो इतने जाके आर इज इक्वल टू 1 कर दो। सो जो आर इज इक्वल टू 1 भरोंगे आर गेम चो बचेगा, बची हुई चीज़ की नेचर आप देख लेनी है। सो इतने तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं पेगी, बची हुई चीज़ ई की पावर जी है एन का रूट आ गया। सो ए इनफिनिटी नू अप्रोच करेगी जो एन बड़ा वड्डा जाएगा। सो आर इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट वाला केस हो गया, ठीक है जी। हूँ आप अगर अगे देखिए अपना जोड़ा क्वेश्चन हैगा है एन रेस टू दी पावर के है, एक्स रेस टू दी पावर एन है, एक्स ग्रेटर दैन 0 हैगा है, ठीक है जी। तो पावर फिर देखी पावर एक्स रेस टू दी पावर एन एक हिंट मिल गया, ठीक है। एन रेस टू दी पावर के है वो कोई चक्कर नहीं गा, के नू भी हैंडल कर लें। सो अगले स्टेप आपने क्या किया, आपने 1/n रेज की थी। तो बाय चांस जो फेलियर भी हो जाए इस टेस्ट का कोई नहीं, अगे हो टेस्ट पे ने, इस करके चिंता नहीं करनी हैगी। हूँ तो स्पैसीफिकली क्वेश्चन ये तो दस रहे हैं ना। सो एन रेज टू दी पावर के आ गया, एक्स रेज टू दी पावर एन। हूँ जो ये देखो ए तो यदा तो कट जाना, इतने तो कला एक्स रह जाना, 1/n अंदर भेजता के बाहर कर लिया। अगर तुम्हें याद हो एन अप्रोच इनफिनिटी 1/n 1 होंगे सीकुएंस रिजल्ट है, तो के वाली रकम तो उड़ गई, आंसर
जड़ा है वो एक्स के उत्ते आ गया, आंसर जड़ा एक्स उत्ते आ गया तो मतलब है फिर एक्स के उत्ते केस बनने, सो केस बनने एक्स के उत्ते थोड़े को फिर किदां दी स्टोरी आ जाएगी। ठीक है, उही आ गया कि सीरीज इज कन्वर्जेंट अगर एक्स लैस दैन वन है। ग्रेटर दैन जीरो क्यों लिखता, क्वेश्चन से ग्रेटर दैन जीरो से इस करके कोई चक्कर नहीं, डाइवर्जेंट ग्रेटर से हूँ रौला कितने रह गया जो एक्स इक्वल टू वन है तो टैस फेल हो गया। हूँ जो टैसट फेल हो गया तो थोड़ू की किया इस एक्स ओरिजिनल सीरीज विच जाके पुट कर देना है, और ओरिजिनल सीरीज जे तुसी ध्यान नाल देखो एक्स उरे सीगा, तो जे एक्स दा फेलियर करांगा तो सिर्फ एन रेस टू दी पावर के चांसर आएगा, सो एन रेस टू दी पावर के चांसर आ गया। सो बड़ा सौखा जिहा सीरीज बन गई, नीचे लै गए नैगेटिव के, क्यों नीचे लै गए, क्योंकि आप पी सीरीज टैस लगा सकते हैं, पी सीरीज टैस में जिहड़ी भी रकम नीचे आई है ग्रेटर दैन वन ते कन्वर्जेंट है, नैगेटिव नाल गुणा कीती निशान चेंज हो गया, लैस दैन इक्वल ते डाइवर्जेंट है, सो पी सीरीज टैस लाया तो आपां ने क्वेश्चन पुट कर दिता। हुण आपां ने करना की हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी, हुण आपां एक मेन पॉइंट है जिहड़ा तुसीं नोट कर लेना हैगा, वह की करना हैगा है वैन, ठीक है, वैन वैल्यू फेल किसी पॉइंट पर तुहाडा टैसट फेल हो जाता है, पुट द गिवन वैल्यू ऑफ एन, पुट द गिवन वैल्यू इन द इक्वेशन, मेक इट फ्री फ्रॉम द वेरीएबल, ठीक है, वो थोड़ा एन है, थोड़ा एक्स है, थोड़ा के है, जो भी है जिते फेलियर आ रहा है उसनों गिवन इक्वेशन च पुट कर देना, गिवन इक्वेशन तो फ्री कर लेना, उस तो बाद लिमिट कंपैरिजन पी सीरीज डी एल एम बटो होर भी बहुत सारे टैसट है, ईवन ई की पावर इनफिनिटी सी अपना सीधा ही बन गया, सीधा ही बन गया तो भी बड़े आराम ना थोड़े कोल क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, तो जिहड़ा हैगा फॉर एग्जाम्पल आप एक होर एग्जाम्पल लै लीए थोड़े को, सो जो एग्जाम्पल लीए थोड़े को क्यू रेस टू की पावर एन स्केयर है, आर की पावर एन है, हूँ क्यू रेस टू की पावर एन स्केयर है, कोई गल नहीं एन स्केयर भी आपने कहा कि एन का मल्टीपल हो सकता, सो एन टाइम्स एन कह लेंगे इनू आप, तो आपने वन बाई एन रेस की तो सिचुएशन थोड़े पास आ गई। ठीक है जी, हुण ध्यान ना देखियो एन अप्रोचिज टू इनफिनिटी है, क्यू की पावर एन है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इनटू ए दे आर आ गया तुहाडे कोल, हुण क्वेश्चन है किसी चीज़ की पावर इनफिनिटी रेज करिए तो की हुंदा है, सो ख्याल रखना अगर एक तो छोटी चीज़ की पावर, एक तो छोटी चीज़ की पावर इनफिनिटी रेज करिए, मान लो मैं वन बाई टू है यदि इनफिनिटी एन अप्रोचिज टू एन है और एन अप्रोचिज टू इनफिनिटी लैना है तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू तो वैल्यू की है घट रही है मतलब जीरो आऊगा, अगर टू की पावर एन है एन अप्रोचिज टू इनफिनिटी है तो दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो बढ़ रही है तो आंसर इनफिनिटी है, मतलब एक तो छोटी कोई भी चीज़ होएगी एन लिमिटिंग केस लवेंगे एन अप्रोचिज टू इनफिनिटी तो क्यू की पावर जी है उसने जीरो दे देना है, आ जीरो देती। ठीक है जी, जीरो इंटू आर तो जीरो, जीरो आंसर आ गया, आंसर एक तो छोटा हैगा तो थोड़ा जोड़ा है आंसर हो गया कन्वर्जेंट। अब क्यू ग्रेटर दैन वन लै लिया, जब क्यू ग्रेटर दैन वन आ गया क्यू रेस टू की पावर एन इनफिनिटी, क्योंकि मैं हमने थोड़ा एग्जाम्पल दी सी, सो जे इनफिनिटी बन गया तो आर ना गुणा करे तो भी इनफिनिटी बनूगा, गुणा करे तो इनफिनिटी बनूगा, तो फिर मतलब एक तो व्डा हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। हूँ वारी की आ गई केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर जब क्यू इज इक्वल टू वन आ गया तो उस टाइम क्या सिचुएशन बनेगी। ठीक है जी, क्यू इज इक्वल टू वन आ गया तो फिर जोड़ा हैगा ये थोड़े को आपां नूं क्यू दी वैल्यू वन दे दी, ओरिजिनल च जाके क्वेश्चन च भर देनी है, जदों ओरिजिनल क्वेश्चन च भरोंगे तो फिर की होएगा आर रेस टू दी पावर एन कला रह जाएगा, वो आर रेस टू दी पावर जिहड़ी हैगी है वो जी पी सीरीज़ है, वो कदों कन्वर्ज करूगी जदों आर लैस दैन वन है। सो इस क्वेश्चन च वेरीएबल्स ज़्यादा आ गए सीगे, सो इस तरह ही क्वेश्चन हैंडल कर लेना। सो अगला क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडे कोल वो च एक्स रेस टू दी पावर एन है, नीचे एन रेस टू दी पावर एन है, पावर फिर रेज की दोनों की पावर घट गई एक्स ओवर एन, एन अप्रोच इनफिनिटी तो जीरो आ गया। सो कई लगता हूं भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है तो वैसे वो क्वेश्चन बड़े आराम ना हो जाता है। सो लास्ट क्वेश्चन है जोड़ा वन ओवर लॉग ऑफ लॉग एन के उत्ते एन, सीरीज़ की जी खासियत है ना ये चाहना नैचुरल नंबर ही होंगे इस करके बहुता सोचना नहीं पैंता भी लॉग के अंदर नैगेटिव तो नहीं, लॉग की डोमेन का कोई चक्कर तो नहीं गा, सो ऐसी प्रॉब्लम ये नहीं आती हैगी। ठीक है जी, सो हम आप करना की हैगा तो को जो आप पावर रेज की तो यह कट गया, हूँ क्वेश्चन है लॉग इनफिनिटी, लॉग एन है ना, लॉग इनफिनिटी इनफिनिटी तो लॉग इनफिनिटी इनफिनिटी आ वाला लॉग है जिहड़ा थोड़ा पहला इनफिनिटी ने इत्थे जाना इसने इनफिनिटी बन जाना फिर अंदर लॉग है फिर लॉग इनफिनिटी इनफिनिटी सो वन ओवर इनफिनिटी जीरो सो जीरो बन गया तो थोड़े को सो इत्थे एंड ऑफ लैक्चर थोड़ा थ्री हैगा थोड़े को। ठीक है जी, सो हौसले नाल क्वेश्चन करो जी, एक दो दिन तक लैक्चर चार पोस्ट कर दूँ। ठीक है जी, थैंक यू।